दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल इंडियाज नंबर वन इमर्जिंग स्कूल जहां है एकेडमिक्स स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू 9 और अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधायक कोटे पर भी कैंची चला दी है तो फिर ये सरकार किस लिए बैठी है फिर सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए अशोक गहलोत जी को इस्तीफा दे देना चाहिए यदि उनके पास पैसे नहीं है हमेशा जब जब कांग्रेस की सरकार बनी है तब तब खजाना खाली खजाना खाली खजाना खाली मोदी जी पैसे भेज दो मोदी जी ये दे दो मोदी जी वो दे दो मोदी जी फलाना दे दो मोदी जी ढिमका दे दो मोदी जी के तकाल में ही पहली बार जीरो बैलेंस वाले खातों में 500-500 रुपये आए नहीं तो ये हिंदुस्तान का इतिहास है इतिहास कभी किसी के खाते में आज तक एक भी फूटी कौड़ी आई हो नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल से पहले तो कोई मुझे इतिहास के पन्नों को पलट करके निकाल के दे दे कि ये हमने उस समय दिया था। बिल्ली को ख्वाब में छिजड़े नजर आते हैं जो विपक्ष के अंदर होते हैं उनको सिर्फ यही आता है कि सत्तारूढ़ दल का मंत्री इस्तीफा दे सत्तारूढ़ पार्टी के मुख्यमंत्री इस्तीफा दें कोई आधार तो हो बात कहने का। इनका कहना है कि मुख्यमंत्री जी ने गलत किया एमएलए कोष के ऊपर भी कैंची फेरी ये कथन ही अपने आप में असत्य है और अधूरा है। मुख्यमंत्री जी ने सिर्फ इतना सा कहा है क्योंकि अभी आपात स्थितियां हैं और प्राकृतिक आपदा का दौर है नेशनल डिजास्टर एक्ट जो है वो देश में फिलहाल लागू है तो ये लागू केंद्र सरकार ने किया राज्य सरकार ने नहीं किया है। केंद्र में किसकी सरकार है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली और अनीता जी के अति प्रिय मोदी जी की सरकार। क्यों करा साहब उन्होंने और क्यों उन्होंने सांसदों का कोष जो है 2 साल के लिए स्थगित किया क्यों उन्होंने 2 साल के लिए सांसदों को पाबंद किया कि उनका पैसा भी सिर्फ स्वास्थ्य सेवाओं के लिए ही प्रयोग में लाया जाएगा इसके ऊपर अनीता जी क्या कहना चाहती हैं। प्रधानमंत्री को भी इस्तीफा दे देना चाहिए। अनीता जी का कहने का अर्थ तो यह है क्योंकि अगर राजस्थान के अंदर विधायक कोष के ऊपर ये फैसला अमल में लाया जाता है जो इनको अप्रिय लग रहा है और उसके ऊपर इनके बोल हैं कि मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए तो इसी प्रथा को शुरुआत तो केंद्र ने की है ये फैसला ये निर्णय केंद्र ने पहले करा है। इस फैसले के अगुआ जो हैं नरेंद्र मोदी हैं देश के प्रधानमंत्री तो उनको भी अपने विधायिका की बात मानते हुए कि विधायक महोदया डिमांड कर रही हैं विकास नहीं होगा विकास के प्रति 15 साल तो कभी इनकी आंखें ही नहीं खुली क्षेत्र की जनता ने तो बराबर चुन चुन करके इनको भेजा। स्मार्ट सिटी के अंदर अजमेर का सिलेक्शन है अजमेर के मतदाता भी जानते हैं पूरी जनता जानती है जागरूक लोग सब जानते हैं कि दक्षिण विधानसभा क्षेत्र का कितना हिस्सा और कौन कौन सी योजनाएं स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंदर इन्होंने सैंक्शन कराने के अंदर दिलचस्पी ली। उस समय तो सामने जो झंडी फहरती थी ना उसकी हवा से इनको नींद आती थी क्षेत्र नज़र नहीं आता था क्षेत्रवासी नज़र नहीं आते थे विकास की आवश्यकता ये इनको नज़र नहीं आता था। अब चूँकि वो झंडी नहीं है अब पगडंडी है तो अब इन्हें विकास नज़र आ रहा है। आज प्राथमिकता यह है कि तमाम नागरिकों की देशवासियों की प्रांतवासियों की हम स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर उनको उपलब्ध करा सकें उनकी जान बचाएं। एमएलए का पैसा उनका खुद का है क्या घर से लेकर के आते हैं क्या एमएलए अपना पैसा जनता का पैसा है जनता का पैसा जनता के स्वास्थ्य के लिए अगर आरक्षित करा जा रहा है तो इसमें ऐतराज़ की बात है क्या। सिर्फ बयान करना है सिर्फ जहर उगलना है सिर्फ मीडिया में बने रहना है अच्छी बातें बोलेंगे समर्थन करेंगे तो पार्टी के लोग डंडा मारेंगे। मुख्यमंत्री जी की दिल खोल करके तो हर मीटिंग के अंदर प्रशंसा नरेंद्र मोदी करते हैं
कि कोरोना संकट से निपटने के लिए सबसे कुशल और बेहतर प्रबंधन अगर किसी का है तो राजस्थान के लोकप्रिय और यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत का है। तो फिर तो ये सुन करके तो इनको नींद ही नहीं आती होगी कि प्रधानमंत्री जो है अशोक जी की तारीफ क्यों कर रहे हैं। तो इनके विरोधाभास है, सोच का फर्क है, मति भ्रम है, कूप मंडूकता का है कि भाई बोलना है तो सिर्फ इतना सा ही बोलना है कि हमें विरोध करना है और विरोध करने के लिए भले इस्तीफा दो, इससे बड़ी और छोटी कोई बात ही नहीं है। इनको अगर अब सक्रिय हुई हैं विकास के लिए तो चाहिए कि भाई वास्तव के अंदर अपना पश्चाताप पूरा करने के लिए जो बचा हुआ तीन साल का समय है, 15 साल का पश्चाताप इन 3 सालों के अंदर करें और लोगों के दुख और दर्द के अंदर शरीक हों, बाकी तो इनके पास समय ही नहीं था। सर मैडम ने ये भी कहा कि खजाना खाली हो गया सरकार का, भारत सरकार का ही खजाना खाली है। रोज जो है डीजल पर पेट्रोल के ऊपर पैसे बढ़ रहे हैं, 6 दिन के अंदर 8 रुपये बढ़ चुके हैं बाबू जी। ये खजाना भरने की तो कवायद है। पूरी दुनिया के अंदर क्रूड ऑयल जो है वो सस्ता होता चला गया, ये GST बढ़ाते रहे। किस लिए बढ़ाते रहे? कि सरकार के पास खजाने में पैसे नहीं है, जनता से ही वसूला जा रहा है। और कौन सी किस प्रांत की सरकार है जिसके पास में इस समय कमी नहीं है पैसे की? मगर हम तो वो रोना भी नहीं रोते जो जायज़ है कि GST का शेयर स्टेट गवर्नमेंट के पास आना चाहिए टाइम से, वो पैसा नहीं आ रहा है। उस बात को कहना राजस्थान की जनता के अधिकार की मांग करना है, खाली खजाना रोना नहीं है, सिर्फ समझ का फर्क है। राजस्थान की जनता के लिए पैसे को हम कहाँ से लाएं वो सोचना मुख्यमंत्री जी का रात और दिन का ध्येय है और उसी के ऊपर 24/7 काम कर रहे हैं। न भूतो न भविष्यति, ऐसे मुख्यमंत्री मिलेंगे नहीं जिनकी वजह से आज उनके प्रधानमंत्री को भी प्रशंसा करनी पड़ रही है कि हाँ साहब इन्होंने काम करके दिखाया है। तो अपने संसाधनों से किस तरीके से बेहतर प्रबंधन किया जा सकता है उसकी तो यूनिवर्सिटी है अशोक जी गहलोत। पहले भी राजस्थान के अंदर जब जब सूखा पड़ा उस सूखे के लिए भी किसी आदमी को राजस्थान के अंदर न तो भूख से मरने दिया न भूखा सोने दिया, बल्कि अन्नों के जो है भंडार लोगों के घरों के अंदर थे। तो इस तरीके से बेमिसाल काम करने वाले मुख्यमंत्री जी, इनकी आंख की किरकिरी तो भाई होने ही हैं। अब उस किरकिरी से तो ये कहें कि किरकिरी कैसे निकलेगी, बोले मुख्यमंत्री जी इस्तीफा दो। तो ये तो साहब अपने पुरानी कहावतें हैं कि जब बारात जीवने बैठती है ना तो औरतें गाना ही गाती है, गाने तो इनको भी